हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। तो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जीएस की आंसर सीरीज़। जीएस की आंसर सीरीज़ बिहार एपीओ के लिए 2021 में जो हुआ था, 7 फेब 2021 को, तो हमने 55 क्वेश्चंस तक पार्ट वन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट सेकेंड, जो 56 से लेकर 100 क्वेश्चंस तक होगा। तो जीएस का ये सेट नंबर ए है, तो प्लीज़ आंसर आप टैली कर लीजिए, और अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन है या कोई आंसर आपको डिफ़र करता है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 56 क्वेश्चन दे रखा है हमारा, जॉन्डिस एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। जॉन्डिस जो एक तरीके का बीमारी होती है, वो किस चीज़ से फैलती है? इट स्प्रेड्स थ्रू वाटर, राइट? तो करेक्ट आंसर इज़ ए। देन 57 क्वेश्चन पूछा गया है, अ बैरोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग। बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए यूज़ होता है, मतलब प्रयोग किस लिए किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव। द करेक्ट आंसर इज डी। देन बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव चीफली कंटेन्स इथाइल अल्कोहल, ए। इथाइल अल्कोहल कंटेन किया जाता है बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव्स में। देन 59 का आंसर है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सल्फर टू हीटेड रबर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन, सी। देन 60th क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन मेनली विथ क्रोमियम। अब बहुत लोगों ने इसे कॉपर मार्क कर दिया, क्रोमियम इज द करेक्ट आंसर। 61st क्वेश्चन है हमारा, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इज। इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया, तो आई एम नॉट श्योर। 62nd है हमारा, सिस्टिसिस एंड इन्फेक्शन इज रिलेटेड टू यूरिनरी ब्लैडर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 63rd क्वेश्चन, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज इन फॉर ट्रीटिंग हाइपरथायरॉयडिज्म। तो करेक्ट आंसर इज बी, आयोडीन 131। 64 ईस्ट यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फंगस। 65 डी एस का आंसर। 65 द एंटी फ्रीज यूज इन ऑटोमोबाइल चीफली कंटेंट्स ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल, सी। 66 द साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट वेदर आर कॉल्ड मीट्रोलॉजिस्ट। सिस्मोलॉजिस्ट तो वो हमारे अर्थक्वेक्स वगैरह रीड करते हैं। द करेक्ट आंसर इज डी। 67 द एल्कोनॉइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टोबैको लीव्स इज निकोटिन, बी। WBC के बारे में पूछा है कि सोल्जर्स ऑफ द बॉडी होते हैं ये, तो बी। 69 क्वेश्चन है, प्राइमरी कलर नहीं है, तो इसमें येलो कलर नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज डी। 70 है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो अब्सॉर्ब हो जाती है, ए। 71st क्वेश्चन है, द गैस्ट्रिक जूस चीफली कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। द करेक्ट आंसर इज सी। 72nd है, द प्रेशर कंटेंट इस द प्रेशर ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय एड्रीनल ग्लैंड, ए। 73rd, मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन विल बी कॉज्ड बाय हाइड्रोजन, सी। 74th, द हेवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग इज ओस्मियम, डी। 75, द रस्टिंग ऑफ द आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ए आंसर है इसका। 76 है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड द रेजिस्टेंस विल बी डबल्ड। दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, लेंथ और रेजिस्टेंस दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। करेक्ट आंसर इज डी। 77, विच ऑफ द पेंसिल में क्या यूज होता है, ग्रेफाइट, ए। 78, हॉट हैवी वाटर कंटेंस ड्यूट्रियम ऑक्साइड D2O, देन सी आई इसका आंसर। 79 है, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद अ लेयर ऑफ टेफ्लॉन। ये हमने अपनी क्लासेस में बताया था, डी आई इसका आंसर। 80th का है, डिटर्जेंट्स यूज फॉर क्लीनिंग आर कार्बोनेट्स, बी। आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट, 81। द करेक्ट आंसर इज बी। द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर्ड वॉज नायलॉन, बी। फिर एक नाम दे रखा है, इंडिका अजाडी रचका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम। इसका आंसर तुलसी नहीं है, नीम है इसका आंसर, बी। द ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर ओ, द आंसर इज ए। कॉमन रिमोट कंट्रोल में क्या यूज होता है, इंफ्रारेड वेव, सी। 86 हमारे पास है, सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया था, बी आंसर इसका।
जास्कर एंड शाइलोक आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंडस. डी 88 का आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, रेनफॉल जो होती है विंटर्स में नॉर्थ ईस्ट इंडिया. 89 है सिम्पलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, मयूरगंज है इसका आंसर एंड उड़ीसा में है. डी है इसका आंसर. 90th का इसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है, उड़द नहीं है. 91st का है लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर नहीं है, कर्नाटका. मिक्केर हिल्स हमारे अरुणाचल प्रदेश में बी, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ ST हमारे मिज़ोरम में है सी. एंड फिर ये पंजाब का क्वेश्चन पूछा, पंजाब हरियाणा और राजस्थान का, तो इसका आंसर हमें डाउट है. वैसे ऑलमोस्ट सेग्रीगेटेड सेटलमेंट्स हो सकता है इसका आंसर, तो आई एम इन डाउट. 95 का आंसर है हमारा सी, करेक्टली मैच नहीं है. देन 96 का आंसर है हमारा SC पॉपुलेशन मोर देन 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन पंजाब और यूपी में. 97 फॉर लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसीडुअस डी. 98 का है कि इसमें मिसमैच कौन सा है, तो कोयना प्रोजेक्ट हमारा महाराष्ट्र में है. द करेक्ट आंसर, द रॉन्ग आंसर इज ए, मतलब इनके हिसाब से ए है आंसर इसका करेक्ट जो हमें मार्क करना है. 99 इसमें बताया कौन सा लोकेटेड नहीं है वेस्टर्न कोस्ट पर, डी एनोर पोर्ट. 100 इज इन विच कंबाट रीजन इज लोकेटेड, गुजरात बी. तो ये हमने कवर किया 100 क्वेश्चन तक, 56 से लेकर 100 तक. इससे पहले हम 55 तक सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं पुरानी वीडियो में. प्लीज़ अपने आंसर्स टैली कर लीजिए, अगर किसी पॉइंट पे ऑब्जेक्शन है तो वो बताइए, जिससे रिट सब मिलकर डाल सकें. एंड बहुत सारे कुछ कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं, तो वो सब देखना पड़ेगा. जैसे कमीशन आंसर जारी करता है तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा. रिजल्ट इसका 15 मार्च 2021 को आएगा. तो अगर एक रफली एक अजम्पशन लगा सकते हैं इससे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं बिहार APO का मेंस के लिए एंड जुडिशरी का, तो आप लोग हमारे से भी कनेक्ट हो सकते हैं रीजनेबल फीस में. एंड डेली क्लासेस होंगी विद ईजी लर्निंग एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. तो करते रहिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब, एंड हमारी पुरानी वीडियोज़ भी देखते रहिए. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए. इसके अलावा जो भी कोई अदर चैनल्स अगर हमें वीडियो हमसे बनवाना चाहते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. द ID इज़ लॉ मेड ईजी बाय एडवोकेट दृष्टि. या तो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी. इसके अलावा आपको यूट्यूब चैनल पर जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर भी मिल जाएगी, एंड फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगी. तो वहाँ पर भी आप सब लोग जुड़ सकते हैं, एंड कोई भी आपको डाउट्स हो तो वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं. बाकी अब हम डिस्कस करेंगे लॉ का आंसर्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए. तो बताइएगा कि कितने आपके सही हुए एंड कितने गलत हुए, एंड कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो भी आप बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़. थैंक यू सो मच. बाय बाय.